ये दीपक हमें ये संदेश देगा कि आइए उसे हृदय रूपी दीपक को हम प्रज्वलित करें। मां की भाव भरी प्रार्थना, ओम सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्येव च। हे माँ भगवती, हे माँ सरस्वती, इस कंठ के अंदर जितने भी बैठे हैं यहाँ, या ये आवाज कहाँ तक जा रही है, या इस संसार में जितने लोग हैं, सबके कंठ में प्यार भरी मिठास भर देना। यहाँ से कठोर शब्द और कड़वे शब्द न निकले। हे माँ सरस्वती, ऐसी कृपा करना। तेरी करूं मैं वंदना, तेरी करूं मैं वंदना, तेरी करूं आराधना, तेरी करूं मैं आराधना, तेरी करूं मैं वंदना, तेरी करूं
निर्मल हमारी भावना, निर्मल हमारी भावना। एक बार जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मैं हमारी मंच पर हमारी दीदी विद्यमान है, जो तीनों अतिथियों का तिलक करके इनका स्वागत करें। उसके बाद फिर हम अपने शांति कुंज प्रतिनिधियों आदरणीय श्री केदार प्रसाद दुबे जी भाई साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे पुष्पेंद्र सिंह देव जी को मंत्र दुपट्टा पहना करके गुरुदेव का आशीर्वाद प्रदान करें। पुष्पेंद्र सिंह देव जी हमारे विधायक महोदय, पूर्व मंत्री जी एवं कैप्टन दिव्यशंकर मिश्रा जी, आपके मंगल तिलक का क्रम हो रहा है। बहने यहाँ की परंपरा के हिसाब से उसको हुली कहते हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उसको आप कह कर सकते हैं, हुलहुली करते हैं ना, थोड़ा हुली ध्वनि सहित स्वागत। हमारे गंगाधर चौधरी जी भाई साहब कैप्टन साहब को मंत्र दुपट्टा पहना करके मीरा बहन को आदरणीय भाई साहब पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भेंट कर रहे हैं। गुरुदेव का ज्ञान शरीर, उनका साहित्य, ये हमारे मिशन की परंपरा रही है कि स्वागत में हमारे बुके नहीं बुक दी जाती, और ये परंपरा अब धीरे धीरे सभी जगह प्रारंभ हो रही है। हम लोगों को भी निवेदन करेंगे कि साहित्य बुके नहीं बुक दें, और हमने पूज्य गुरुदेव की बुक से हमारे अतिथियों का हमने स्वागत किया। आइए भाइयों बहनों, हम दीप यज्ञ का क्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये पूज्य गुरुदेव की एक ऐसी अनूठी देन है आने वाले समय के लिए, जो पूरी तरह से वैज्ञानिक तो है ही, आज के समय के लिए बड़ी आवश्यक भी है। ये दीप यज्ञ हम सबको बहुत सारी प्रेरणाएं देता है। कर्मकांड बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है, मगर हर एक कर्मकांड की पीछे की जो प्रेरणा है, उसके पीछे का जो हमारा भाव है, बहुत ही दिव्य है। और ये कैसी सामूहिक प्रार्थना है, क्योंकि दीपक हर धर्म तो एक ही है, मानव धर्म, दीपक हर पंथ में जलाया जाता है, और हर एक पंथ जो ईश्वर को चाहने के लिए प्रार्थना करने के लिए चलते हैं, उसके पीछे भाव यही है कि यदि कहीं परमात्मा है तो वह ऐसा ही ज्योति स्वरूप है जो प्रकाश बांटता है। और जब ऐसे हजारों दीपक इकट्ठे हो जाते हैं, इसके पीछे का भाव ये है कि हम श्रेष्ठता के लिए, हमारे अंदर भी आत्मा का प्रतीक वो ज्योति है, ये सभी आत्माएं एक साथ इकट्ठे होकर के समाज के अंधकार को दूर करने में लग जाएं, ये भाव इस दीप यज्ञ का है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुप्त सत्ता में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, भगवती वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री कर पावन सानिध्य उपस्थित आमर समस्त प्रातः स्मरणीय पूजार योग्य देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा माँ एवं भौणी माने, देव स्वरूप भाई माने एवं सुदर शांति कुंजर आगत आमर समस्त वरिष्ठ प्रतिनिधिगण एवं एक क्षेत्रर समस्त मान्यगण अतिथि महोदय एवं आमर समस्त युवा साथी भाई एवं भौणी माने, बड़ सौभाग्य आम समस्त आज
परम पूज्य गुरुदेव सानिध्य दीप यज्ञ भली एक पवित्र कृत्य संपन्न करने आम एकत्रित होती यह दीप यज्ञ आवश्यकता उद्देश्य आम आशीष भाई आपण मानक संक्षिप्त बतई देखा जाइए संसार जिते प्रकार समस्या आज आम सामने ये समस्त समस्या मूल कारण हूँ मनीषर संकीर्ण स्वार्थपरता एमती दिन थिला आमर ऋषि मुनि माने निजकु भूमि माता पुत्र अहम पृथिव्याह यही शब्द से संबोधित करुथिले समग्र विश्व सुधा को निजर परिवार मन करी ए धराधाम रे निवास करुथिबा वृक्ष वनस्पति कीट पतंग पशु पक्षी समस्त प्राणी मानकु निजर परिवार रो सदस्य मन करिकी निजकु समाज रे एक अभिन्न अंग मन करिबा एवं समस्तंग हित रे निजर हित मन करी जीवन जीउथिले किंतु आज आम समस्ते विज्ञान एवं टेक्निक ए दिगरे जिते प्रगति करी करी का जाऊछु शिक्षार स्तर जी बढ़ी बढ़िका जा देखा देखिए संकीर्णता स्वार्थपरता आज जी जी उच्च शिक्षित आज सी से संकीर्ण होवे लगी आज मनीष मु मोर पिला छुआ या ही परिवार मन करे बापा माँ को भी परिवार सदस्य मन करे ना छोट छुआ आम पिला को पाठ पढ़ाई था स्मॉल फैमिली जे हैप्पी फैमिली से स्मॉल फैमिली भितर किए आसे माता पिता आसती एवं गोटे बा दुईटी छुआ आसती बापा माँ से परिवार सदस्य नुहति आज आमर शिक्षा आमको ए स्तर को नहीं आसी आज पिला माने बड़ होगला परे हैप्पीनेस खोजापी पत्नी कोल को आसीगला परे घर छाड़ी चली जाती अथवा बापा माँ को घर बाहर कर दिखती जो मनीष निजर बापा माँ को ही निजे से मानकर उपकार को भूली जाए से प्रति कृतज्ञतार सहित जीवन जीवा जगह से मानकर सेवा शुश्रूषा करने जगह से उपेक्षा करे से मनीष ये समाज पर कौन काम आसव ये जो संकीर्ण स्वार्थपरता आज मनीष को समस्त समस्या मूल में नहीं थी आज आवश्यकता अच्छे आम समस्त को ये दीपटीए भली जीवन जीवार ये दीप आम समस्त को परमार्थ परायण जीवन जीवार कला शिखाए दीपरे गोटे पात्र थाए ये दीप कहे हे मनुष्य तमें माने समस्ते निजर व्यक्तित्व को परिष्कृत कर विकसित कर एवं से दीपरे तेल अथवा घी थाए जहाँ को कि स्नेहर प्रतीक बोली कह जाए आम समस्त अंतःकरण स्नेहरे भरा ही रहा दरकार स्नेहरे सिक्त रहा दरकार एवं से सलिता थाए ए सलिता को प्रखर पुरुषार्थ प्रतीक कह जाए एवं आम समस्त को दीप कहे हे मनुष्य तुम्हें परिश्रमी हुआ पुरुषार्थ परायण हुआ एवं यही व्यक्ति सहित जिते बड़े परमपिता परमात्मा अनुदान बरदान वर्षा हुए से व्यक्ति से अनुदान बरदान उपयोग निज पाई करे ना समस्त कल्याण पाई करी थाए जो भली दीप करी थाए दीप को जिते बड़े अग्निर सानिध्य प्राप्त हुए सीए जले निज पाई नुहे अन्य समस्त जले कोई एक दीपक जला कर रख दे गिरिजा या गुरुद्वारा हो वन हो या पार्वती गुफा हो ऊसर या गली आरा हो जल जल ज्योति सदा फैलती जहां जहां अंधी आ रहा हो हम भी वैसे जले के जिससे ये घर आंगन उजी आ रहा हो घर आंगन उजी आ रहा हो हम सबका जीवन आम समस्त जीवन ये दीप भली परमार्थ प्रयाण होगा दरकार दीप निजे अंधार भितर बसे अंधार रे रहे किंतु से समस्त को प्रकाश बांटी थाए यदि आम समस्त दीप भली प्रकाशित होगा ताहले परमार्थ प्रयाण जीवन जीवा आज आपण मैंने देखिए समस्ते ये दीप अनेक दीप ये प्रज्वलित हे हजार संख्यार दीप परस्पर प्रकाश रे अंधकार को से दूर कर दिंती आम जदि समस्ते दीप भली परमार्थ प्रयाण जीवन जीवा तेज निश्चित भाव में परम पूज्य गुरुदेव स्वप्न साकार हम पुनः आम ये धराधाम को स्वर्ग परिणत कर दे पारिबा ए धराधाम केवे स्वर्ग थिला ए धराधाम रे निवास करुथिबा व्यक्ति मानकु देवता कहि के संबोधन कर जायथिला आमर संस्कृति को देव संस्कृति कह जायथिला जो संस्कृति समग्र विश्व रे वर्णनीय थिला आमे सही संस्कृति रो दायाद किंतु आजि
आमे ए पाश्चात्य संस्कृतिर अनुकरण अवलंबन करी आज केतिके संकीर्ण हो जाइछि से संकीर्णता ही आज सब समस्यार मूल कारण आमे यदि चाहिबा आमे गोटे गोटे दीप भली परमार्थ परायण जीवन जीवा तेबे निश्चित भाव रे ए संसार रु समस्त प्रकार दुख कष्ट दूर हो जीव आज आसं आमे समस्त संकल्प नेबा ए दीप यज्ञ रे आज ठारु आमे निज को समाज रो अभिन्न अंग मने करिबा एवं समस्तक हित रे निजर हित मने करके जीवन जीवा मित्रों आम समस्तंकर अस्तित्व समस्ति सहित ए समग्र विश्व ब्रह्मांड रे आमर अस्तित्व अनुन्यासित संबंध शरीर रो अंग प्रत्यंग भली प्रत्येक सेल भली जमती माने परस्पर पूरक है कि परस्पर को परिपुष्ट करी संसार रे ए शरीर रे जीवन जियंती तेबे शरीर को सुस्थ शरीर बोली कह जाए यदि आमे समस्त भी समाज रे परस्पर मिली मिसी की परस्पर पूरक है कि संसार रे जीवन जीबार कला सीखी जीवा तेबे संसार निश्चित भाव रे स्वर्ग हे जीव एई भली किछि प्रेरणा ए दीप आम समस्त को प्रदान करे ए दीप एक सार्वभौम प्रतीक एक सार्वभौम तार प्रतीक ए दीप जेतेबेले मंदिर रे जळे याकु दीप बोली कह जाए एही दीप जेतेबेले मस्जिद रे जळे याकु चिराग कह जाए एही दीप जेतेबेले गिरजा गिरजा घर रे जळे याकु कैंडल अथवा मोमबत्ती कह जाए एही दीप जेतेबेले गुरुद्वार रे जळे याकु ज्योति कह जाए ये नाम केतळ केवल बदली जाए किंतु काम तो गुटी ही करे सिए समस्त को प्रकाश बांटिबा आसंतु ए दीप भली आमे समस्त आज परमार्थ परायण जीवन जीवार कला शिखिबा एवं संकल्प नेबा आमे समस्त परमार्थ परायण जीवन जीवु एवं समस्त कल्याण पाई निज को समर्पित कर देबु तबे निश्चित भाव रे पूज्य गुरुदेव स्वप्न मनुष्य देवत्वर उदय एवं धरारे स्वर्गावतरण सफल हो पार एमित किसी प्रेरणा ग्रहण कर आसंतु यही दीप महाजज्ञ शुभारंभ करवा पवित्रीकरण असंतु पवित्रीकरण कहते हैं सफाई ये धर्मगढ़ की गलियों को इतना साफ कर देना कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी देखने आए कि धर्मगढ़ इतना स्वच्छ हो गया है पवित्रीकरण मन को साफ करें कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे भगवान को हम बुला रहे हैं बैठाएंगे कहां साफ मन आंगन गलियां दिल सब क्लीन तो आइए दो पंक्ति गाएंगे सब लोग प्रेम से गाना हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हमने नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए जगन्नाथ भगवान आना चाहते हैं और पीछे लगे हुए हैं देख रहे हैं सबको देख रहे हैं जगन्नाथ भगवान धर्मगढ़ में आना चाहते हैं कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान मन का मैल नहीं धोया तो मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान कैसे निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते हो जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत इन देखे हूँ तैसी राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम जय जय राम ओ जहाँ
मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साध विदुर घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते साध विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, इस पर सब ने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे घनश्याम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखिए और पवित्रता का भाव कीजिए। हमारा मन पवित्र हो रहा है, हमारा दिल जहां पर पवित्र भावनाएं आ रही है, हम श्रेष्ठ कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मंत्र के सूत्र यहां से बोले जा रहे हैं, हमारे बाद सब लोग बोलना। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय अंतःकरणेषु, अंतःकरणेषु संविशे, संविशे। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्गं नयेत्, सन्मार्गं नयेत्। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महत्तां प्रयच्छतु, महत्तां प्रयच्छतु। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, शान्तिं प्रददातु, शान्तिं प्रददातु। दोनों हाथ इस तरह से ऊपर करके हिलाएं, ये हमारा मन हमारा शरीर पवित्र और शुद्ध हो गया है। हाथ नीचे कर लें। सूर्य ध्यान प्राणायाम, सूर्य ध्यान प्राणायाम। बंधुगण, आज पर्यंत समाज रे जहाँ किछि परिवर्तन आसी प्राणवान व्यक्ति मानक द्वारा ही संभव। महात्मा गांधी हंतु, परम पूज्य गुरुदेव हंतु, किंबा अन्य संत सहित सुधारक कथा आपण नियंतु, एही समाज को प्राणवान व्यक्ति रो आवश्यकता। और यही प्राण शक्ति आमको प्राणायाम माध्यम रे ही प्राप्त होई थाए। सूर्य भगवान को ध्यान करिवा जे कि आम समस्तक भितरे प्राण रो संचार करी थांती, से सविता देवता सूर्य भगवान को ध्यान करी समस्ते प्राणायाम करिवा, निज भितरे थिवा शक्ति को वृद्धि करिवा पाई, प्रसुप्त शक्ति रो जागरण पाई से महाप्राण को ध्यान करी प्राणायाम करिवा। ये प्राण शक्ति कहां से आएगी? ये सूर्य से आती है। जहां बैठे हैं थोड़ी कमर सीधी करके बैठे हैं, दोनों हाथ गोद में रखिए, बायां हाथ लेफ्ट हैंड को नीचे, दाहिना हाथ ऊपर रखिए, दोनों नेत्र बंद करें, उगते हुए सूर्य का ध्यान कीजिए। भाव कीजिए कि सूर्य की शक्ति ये प्राण वायु के साथ हमारे रोम रोम को चार्ज कर रही है। हम शक्तिवान बलवान महान बनने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। गहरी सांस लें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव।
स्थिति में बैठ जाएं। चंदन धारणम, चंदन को शांत एवं शीतलता प्रतीक कहा जाए। चंदन खसी ही जाए, कटी जाए, किंतु समस्त सी सुगंधि एवं शीतलता प्रदान करे। वास्तव में आम समस्त को भी चंदन भली जीवन जीवार आवश्यकता रही। संसार प्रत्येक वृक्ष वनस्पति कीट पतंग पशुपक्षी समस्त कल्याण पर जीवन जीयती। यदि यही सीख यदि यही शिक्षा मनुष्य को मिल जाए, मनुष्य भी यदि चंदन भली जीवन जीवा आरंभ कर दिए, विपरीत परिस्थिति में भी आम आमर मानवता को आम कर्तव्य को आम भूलू ना। यही संकल्प सहित आसतु आम समस्ते चंदन धारण करवा। कई चंदन तुल्य जे देश माटी, तपोभूमि प्रति ग्राम, जे देश नारी देवीर प्रतिमा, प्रत्येक शिशु राम। आसतु जो भूमि आम समस्ते यही चारिदिन जो ज्ञान यज्ञ प्रक्रिया चली, ये जो भूमि आम बस उत्कल भूमि, ये पवित्र भूमि, ये चंदन भी अधिका कहा जाए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद पिगरियसी। आसतु यही पवित्र जन्मभूमि को प्रत्येक याजक साधक निजर अनामिका अंगूठी से स्पर्श करे। मुख्य यजमान दंपति जो बस पूजन पाई थाली रे रोली चंदन रखा जाए, अनामिका अंगूठी नहीं जातु। मंत्रोच्चार सहित जन जन को पिंधे। बाकी जो साधक याजक मान बस पांडाल रे, ये जो बसी सेठी भूमि को स्पर्श करे एवं दृष्टि को सामना को आणवे। दृष्टि सामना को अनामिका अंगूठी को नहीं आसवे। एठार सूत्र बोल जाव, सूत्र को दोहरेबे एवं जितेबले गायत्री महामंत्र बोल जाव निजर मथार धारण करे एवं संकल्प ने आम समस्ते आज ठारू आम चंदन भली शांत एवं शीतल रहिबू। आमर यह दिव्य गुण को विपरीत परिस्थिति भी भूलू ना। यही संकल्प सहित आसतु आम चंदन धारण प्रक्रिया को पूरा करवा। आप सभी याजक जो पांडाल में बैठे, अपना दाहिने हाथ की अनामिका उंगली जो नीचे से छोटी है ना उसके पास वाली, इसका संबंध सीधा दिल से होता है, इसलिए शादी विवाह में इसी में अंगूठी पहनाई जाती है। मस्तिष्क ये हमारे शरीर का कंट्रोलर है, ये पायलट है। मस्तिष्क में विचार आते हैं तो नींद चली जाती है। सुंदर नींद आ रही थी और एक फोन आ गया, पूरी रात की नींद गायब। शरीर तो थका था लेकिन मन विचलित हो गया। तो मन को शांत रखने के लिए अनावश्यक क्रोध न आए, हमेशा श्रेष्ठ काम करें, हमेशा ये हमारा मस्तक ऊंचा रहे। अच्छे विचार हम सुनते हैं लेकिन वो स्थिर नहीं होते, इस कान से सुनते हैं और दूसरे से निकल जाते हैं। अच्छे विचार जब तक प्रैक्टिकल में नहीं आएंगे, प्रयोग में नहीं आएंगे, उस विचारों का कोई मूल्य नहीं। गांधी जी के जीवन में एक ही बात आई कि सत्य के लिए हरिश्चंद्र ने जो त्याग किया कि भगवान को स्वयं आना पड़ा, वो सत्य का प्रयोग गांधी जी ने किया। आज नाटक बहुत लोग देखते हैं लेकिन उसमें से अच्छी चीज को जीवन में फॉलो नहीं कर पाते। तो आइए दाहिना हाथ उठाएं, इसको जहां पर बहने बिंदी लगाती है, भाई लोग तिलक लगाते हैं, इस उंगली को वहां पर लगाइए आप। सभी लोग लगाएं, जो कुर्सी पर बैठे हैं वो भी लगाएं। दिमाग को ठंडा रखना है, अच्छे काम करना है, अच्छे विचारों को स्थापित करना है। मंत्र यहां से हम बोलेंगे, आप उसको दोहराइएगा। माँ गायत्री से, गुरुदेव माता जी से शक्ति मांगिएगा। ओम मस्तिष्कम, ओम मस्तिष्कम, शांतम भूयात्, शांतम भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः, ओम अनुचितः आवेशः, मा भूयात्, मा भूयात्। ओम शीर्षम, ओम शीर्षम, उन्नतम भूयात्, उन्नतम भूयात्। ओम विवेकः, ओम विवेकः, स्थिरी भूयात्, स्थिरी भूयात्। दोनों हाथ जोड़ के गुरु सर
सत्ता को प्रणाम करें, ये हमें शक्ति प्रदान करें। यजमान कलश पूजन संपन्न करन दो, शेष समस्ते दुई हाथ जोड़ी कलश भगवान को प्रार्थना करन दो। दोनों हाथ जोड़े, देव मंच पर पूजन हो रहा है, हमारी सबकी भावनाएं साथ में। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्थिता कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अङ्गैश सरिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जनोद्भव सारिभ्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। गुरु ईश वंदना। असंतु गुरु सत्संग को आवाहन करिबा गुरु गु अने अंधकार रू माने प्रकाश जी शिष्यर समस्त ज्ञान रू दूर करी श्रेष्ठ मार्ग रे आणिबा पई समर्थ होंती से ही हेउछंती वास्तविक समर्थ गुरु। भाइयो भौणी माने आमे समस्ते बहुत भाग्यवान जेहेतु आम समस्त को एभली दिव्य गुरु सत्ता प्राप्त होती जहाँकर संकल्प अच्छी मानवरे देवत एवं संपूर्ण धराधाम को स्वर्गरे परिणत करिवा कहा जाए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए भगवान को पहचान करेवार शक्ति होती गुरु सत्ता। आसंतु श्रद्धार सहित आमे गुरु सत्ता को आवाहन करिवा तांको स्नेह सुक्ष्म संरक्षण आम समस्त को प्राप्त हो आमे जीवन रे सफलता ही सफलता प्राप्त करू भावर सहित गुरु सत्ता को श्रद्धा भक्ति सहित आवाहन करिवा। गुरु की छाया में शरण जो पा गया गाइए गुरु की छाया में शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। जीवन में सुमंगल आ गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया गुरु की छाया में शरण जो पा गया गुरु की छाया में शरण जो पा
उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। दोनों हाथ जोड़े, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से हमारे बीच में हैं, इस धर्मगढ़ के पंडाल में कण कण में व्याप्त है, ऐसे भाव उनके चरणों में अर्पित करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पञ्चोपचार पूजनम् मान पंचोपचार पूजन आम समस्त तरफ कर बंधुगण देव शक्ति मान को पदार्थर आवश्यकता हो न था तथापि आम जेकोसी पूजन करवा को जाऊ निश्चित भाव पदार्थर उपयोग करजे निज को सही पूजन कृत्य ठीक भाव विनियोग आम ये पदार्थर उपयोग किंतु पदार्थ भावनार सहित आम जिते बिल समर्पित करवा निश्चित भाव भगवान ताको स्वीकार करती। महाभारत समय कथा आप समस्त को जना भगवान कृष्णर कृष्ण स्वागत पाई दुर्योधन विभिन्न प्रकार साधन सामग्री सब एकठा कर अनेक व्यंजन निर्माण कराइला समस्त को निर्देश दे भोजन तैयार कर जो भली सुगंध से केवे प्राप्त करेंगे अहंकार प्रदर्शन किंतु आपण समस्त को जना अच्छी भगवान कृष्ण दुर्योधन अन्न को त्याग करी विदुर घर को जाते पाखे सात्विक भोजन शाग भजा ही स्वीकार करते आसतु आम देव शक्ति को जल रूप से निजर श्रद्धा को समर्पित करवा एवं गंध अक्षत रूप से पुण्य कर्म को आम देव शक्ति को समर्पित करवा पुष्प रूप से निजर अंतर उल्लास को आम समर्पित करवा एवं धूपदीप रूप से निजर पुण्य कर्म को आम योग्यता को समर्पित करवा नैवेद्य रूप से निजर उपार्जन किसी अंश चरण से समर्पित करवा भावनार सहित आसतु देव शक्ति को पंचोपचार पूजन द्वारा प्रसन्न करने को आम प्रयास करवा भाव भाव पूजन कर रहे भाव पूजन जो पदार्थ जो भगवान के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं वो केवल हमारे भावों को जगाने के लिए है। भगवान नहीं खाते हैं, भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं। भाव का भूखा प्रभु तो भाव ही एक सार है। भाव से पूजो अगर तो भाव से बेड़ा पार है। देखो आदमी की जिंदगी कैसी है, या तो वो अभाव में जीता है कि मेरे पास ये नहीं है, या तो दूसरे के प्रभाव में जीता है कि साहब ये बड़े हैं, ये मंत्री जी हैं, ये विधायक जी हैं, हम तो छोटे सरपंच जी हैं,
ये तो संगठन के ट्रस्टी हैं, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, नहीं। न तो किसी के अभाव में जियो, जो वस्तु है आपके पास वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है, जो चेहरा आपको दिया है वो दुनिया से सबसे सुंदर है, जो परिवार मिला है वो भी आपका अमूल्य है। न तो किसी के अभाव में जियो और न किसी के प्रभाव में जियो, अरे ये जिंदगी तो अपनी है प्यारे, अपने स्वभाव में जियो। अपना स्वभाव भूल गया है, दूसरे के प्रभाव में जीता है या साधनों के अभाव में जीता है, खुद को भूल ही गया है। तो भगवान किसके भूखे हैं? भाव के, पदार्थ के नहीं। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भावन हो सच्चा जो ही में, भावन हो सच्चा जो परम पूज्य गुरुदेव की। बस दो लाइन हम कीर्तन गाएंगे। ये दीपक जो जलने वाले हैं ये प्यार बढ़ाने के लिए। आज संसार में सब कुछ है, संसार एक व्यापार बन गया, संसार एक बाजार बन गया, लेकिन ये गायत्री परिवार एक प्यार बना रहा है, ये प्यार का परिवार है। तो आइए कीर्तन करेंगे। दीपक जलाने प्यार बढ़ाने, आप सबकी आवाज सुनना चाहते हैं जो पीछे कुर्सी पर बैठे हैं, बुलंदी से गाइए आप भी ताली बजा के। दीपक जलाने प्यार बढ़ाने,
दीप यज्ञ का पर्व आया है, दीप यज्ञ का पर्व आया है। आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। दीपक जलाने प्यार बढ़ाने, दीपक जलाने प्यार बढ़ाने। दीप यज्ञ का पर्व आया है, दीप यज्ञ का पर्व आया है। आओ जीवन को धन्य बना लो रे, जीवन को धन्य बना लो रे। हिमालय से ऋषि मुनि आए, पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए। आपके हाथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छा। पावन ओ पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए। ऋषियों का संदेश लाए, ऋषियों का संदेश लाए। अनुदान अनमोल पालो रे, अनुदान अनमोल पालो रे। आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। लहर उठी है शांति कुंज से, लहर उठी है शांति कुंज से। जुड़ जाएं हम शक्ति पुंज से, जुड़ जाएं हम शक्ति पुंज से। भविष्य उज्जवल बना लो रे, भविष्य उज्जवल बना लो रे। भविष्य उज्जवल बना लो रे, भविष्य उज्जवल बना लो रे। ताली बजेगी, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। दीपक जलाने प्यार बढ़ाने, दीपक जलाने प्यार बढ़ाने। दीपक जलाने प्यार बढ़ाने, दीपक जलाने प्यार बढ़ाने। दीप यज्ञ का पर्व आया है, दीप यज्ञ का पर्व आया है। आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। आओ धरती को स्वर्ग बना लो रे, आओ धरती को स्वर्ग बना लो रे। आओ सुख सौभाग्य बढ़ा लो रे, सुख सौभाग्य बढ़ा लो रे। देवाधिपति महाकाल की। भाइयों बहनों, जब आनंद भगवान बुद्ध के पास गए और कहा कि कुछ मुझे बताइए जीवन के लिए क्या संदेश हो सकता है, भगवान बुद्ध ने एक ही संदेश दिया, अप दीपो भव। हे आनंद, अब तुम दीपक बन जाओ, अपने अंदर से खुद की प्रज्योति को प्रकाशित कर दो। यही संदेश, इसी विषय पर मैं आदरणीय भाई साहब को आमंत्रित करने जा रहा हूं कि आज ये दीपक, इस केवल इस मिट्टी के दीपक में ये ज्योति नहीं जलेगी, बल्कि हम सब के अंतस में एक ज्योति जले। स्वामी विवेकानंद हम सबके आदर्श, एक बहुत गीत को बहुत प्यार करते थे, हमारे सदे डाक साहब भी उस गीत की पंक्तियां गुनगुनाते हैं। एकज दे चिनगारी महानल, एकज दे चिनगारी। हे महा अग्नि, उसमें से मुझे एक चिनगारी दे दो, और उसी चिनगारी को मांगने के लिए हम आए हैं। मैं बड़ी श्रद्धा से आमंत्रित करता हूँ भाई साहब को कि पधारें और हमारा जीवन दीपक की तरह कैसा हो हमें संदेश दें। बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव की। आइए एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ एक स्वर में।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सूक्ष्म रूप में विद्यमान परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी और इस पावन दिव्य दीप यज्ञ के मंच पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे क्षेत्र के जनप्रिय लोकप्रिय यशस्वी हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र जी विधायक जूनागढ़, आदरणीय श्री पुष्पेंद्र सिंह देव जी विधायक धर्मगढ़ और हमारी बहन सुश्री हीरा बाग जी जो MAC चेयरमैन है धर्मगढ़ की, साथ ही साथ शांतिकुंज से पधारे हुए हमारे सभी मनीषीगण, आज की इस पावन सभा में दीप यज्ञ की संध्याकालीन वेला में पवित्र अवसर पर मंगल वेला में यहाँ पूरे उड़ीसा से पधारे हुए हमारी शक्ति स्वरूपा बहनों देवतुल भाइयों युवा साथियों, निश्चित रूप से सदैव डॉक्टर साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत हम सब के लिए किया है, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। कहते हैं एक बार अहिल्याबाई ने किसी पंडित को बुलाया और पंडित से कहा मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप मुझे गीता पढ़ा दीजिए। तो पंडित ने कहा ठीक है रानी जी, मैं आपको गीता का अध्ययन कराऊंगा और भगवत गीता का पाठ प्रारंभ किया। पंडित ने पहला मंत्र बोला धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इतना कहना था कि अहिल्याबाई ने कहा रुको पंडित जी जरा एक बार फिर से बोलो। पंडित ने फिर बोला धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो अहिल्याबाई ने कहा बस आप पोथी बंद कर दीजिए, मुझे गीता समझ में आ गई। उसने कहा अरे महारानी आप ये क्या कह रही हैं, अभी तो अर्जुन का व्यामोह होगा और अंत में जाकर के अर्जुन कहेगा करिष्ये वचनम तब, अभी तो बहुत बचा है, पहला अध्याय होगा, तीसरा चौथा पांचवा ज्ञान भक्ति और कर्म योग की धाराएं बहेंगी। महारानी अहिल्याबाई ने कहा बस मुझे गीता समझ में आ गई। उन्होंने कहा आपको क्या गीता समझ में आई, तो महारानी बोली आप कह रहे हैं पंडित जी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और मुझे समझ में आया क्षेत्र क्षेत्र धर्मम कुरु। जहां चलो वहां धर्म की भावना लेकर चलो, ये दीपक यही संदेश देता है। भाई कह रहे थे आशीष आनंद ने भगवान बुद्ध से ये बात पूछी थी और बड़ी रोचक और बड़ी प्रसिद्ध घटना है बौद्ध धर्म में। जब भगवान बुद्ध के प्रयाण का समय आ गया तो कई करीब 40 साल तक आनंद भगवान बुद्ध के साथ साथ चलता रहा, उनके साथ सोता खाता, प्रवचन में जाता, उद्बोधन सुनता, यात्रा करता, परिवज्जा करता, धर्म जागरण करता, सब कुछ करता रहा। एक सहारे के साथ साथ उसको ये बोध ही नहीं था कि उसका जीवन बुद्ध के जाने के बाद क्या होगा। जब बुद्ध ने कहा मेरे जाने का समय हो गया तो आनंद बहुत तेज तेज रोने लगा, भगवान अब हमारा क्या होगा। भगवान बुद्ध ने आनंद को बताया देखो आनंद इस सभा में अनेक लोग चुपचाप शांत बैठे मुस्करा रहे हैं, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि आनंद बुद्ध चले जाएंगे तो क्या होगा और तुम रो रहे हो क्योंकि तुमने तैयारी नहीं की। एक सूफी कथा आती है कि एक बार दो लोग साथ साथ चल रहे थे, एक के हाथ में लालटेन थी और एक आदमी बिना लालटेन के था। रात के अंधेरे में दोनों रास्ता करते बातचीत करते रास्ता पार कर रहे थे, अचानक लालटेन वाले का घर आ गया। उसने कहा मित्र अब मेरा डेस्टिनेशन आ गया है, अब तुमको अकेले जाना होगा। जो उजाले में साथ चल रहा था उसको स्मरण ही नहीं था कि आने वाले समय में मेरे जीवन में अंधकार होगा और मित्रों उस अंधेरे में भटकता चला गया। बस यही जीवन की कहानी हमारी है कि हम किसी अवलंबन पर इतने आधारित हो जाते हैं कि मानो हमारा जीवन परावलंबी जैसा हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं पराधीन सपने सुख नाही। यह युवा क्रांति वर्ष है इसलिए युवाओं इस बात का स्मरण रखना कि अपने पैरों पर खड़े हो। संसार का पूरा इतिहास इसी बात की गवाही है कि कोई किसी को अपने मार्ग पर नहीं चला सकता, जब भी आप चलेंगे तो आपका स्वयं का मार्ग होगा। इसलिए भगवान बुद्ध की ओर से संदेश आया आनंद के लिए आनंद अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, स्वयं प्रकाशित हो। आज बड़ी समस्या है
ये युवा क्रांति सृजनशील युवाओं का सम्मेलन है। आज हमारा युवा परावलंबन की चपेट में है। छोटे से छोटा काम यदि मनोरंजन भी युवा को करना हो तो किसी टॉकीज पर, किसी मॉल पर, किसी मल्टी उस पर डिपेंड करता है, वो किसी दूसरे के द्वारा मनोरंजन प्राप्त करता है। गुरुदेव कहते थे, बेटे अपने श्रेष्ठ कार्यों में अंतर करो, कार्य अंतर से मनोरंजन बनाओ। आज हमारा युवा भटक रहा है, वो दर दर नौकरी की दरकार लिए हुए न जाने किस किस के पीछे कटोरा मांगते अपना फैलाता घूमता है। मित्रों, संदेश है भगवान का कि अपने मालिक स्वयं बनो, तुम नौकरी नौकर नहीं, नौकरी देने वाले बनो। ये संदेश शांति गुंज की धरा से आता है। आज आपने प्रातः दोपहर के समय देखा, आदरणीय डीपी सिंह साहब ने बताया आपको 200 तरह के रोजगार शांति गुंज निःशुल्क सिखाता है। मित्रों, एक नहीं अपने जैसे 10 युवाओं को रोजगार देने वाले आपको बनना पड़ेगा, तब हमारी बात बनेगी। ये दुनिया का इतिहास इसी बात की गाथा है। मित्रों, आज हम दीप यज्ञ कर रहे हैं, इस दीप का संदेश भी यही है कि अपनी बाती, अपना दिया, अपना तेल, अपनी चकमक आप खुद तैयार करो। जो इन तैयारी नहीं करता वो अंधेरे में भटकता है। मित्रों, कहते हैं एक बार संध्या का समय हो गया, भगवान सविता अस्तांचल की ओर जाने लगे। पश्चिम में धीरे धीरे अंधकार फैलने लगा। भगवान सविता ने कहा, मैं जा रहा हूं, क्या कोई है जो मेरी इस पावन परंपरा को जागृत रखे और रात के अंधेरे को पसरने ना दे। उसने आकाश की ओर निहारा, आकाश ने असहमति में सिर हिला दिया, मेरे बस का काम नहीं, सूर्य देव आप जा रहे हैं तो अंधेरा अवश्य आएगा। तभी उसने धरती से कहा, क्या धरती तुम मेरे प्रकाश को फैला सकती हो? उसने भी कहा, भगवान मैं ये काम करने में असमर्थ हूं, जब तक आपका प्रकाश मेरे ऊपर है तभी तक मैं प्रकाशित हूं, मैं स्वयं प्रकाशित नहीं हूं। मैं अपदीपो भव की श्रेणी में मैंने शिक्षा नहीं पाई, इसलिए भगवान क्षमा करें, ये अंधेरा तो पसरेगा। तब कहते हैं इसी बीच भगवान ने फिर एक आवाज लगाई, क्या कोई और है जो मेरी इस पावन प्रकाश विस्तार की परंपरा को आगे बढ़ाए? तभी कहते हैं एक नन्ना सा दीप टिमटिमाया और उसने जोर से कहा, हे सविता तुम अस्तांचल की हो जाओ, मैं अपनी ज्योति बाती और घी लेकर के तुम्हारे प्रकाश की परंपरा को जीवंत रखूंगा। जब तक जीवन में एक बूंद भी घृत है तब तक जलूंगा, अंधकार से लड़ूंगा, हजारों को रास्ता दिखाऊंगा। मित्रों, युवाओं आज इसी बात की जरूरत है। यह संसार अनास्था के अंधेरे में भटक रहा है, अज्ञान का पसारा दिखाई देता है। आदमी को क्या करे क्या ना करे ऐसी किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में खड़ा कर दिया है अनास्था ने। इसलिए मित्रों, आज सबसे बड़ा काम है कि अपना आत्मदीप जगाओ, अपनी ज्योति जगाओ और अपनी ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, भारत के कोने कोने में ज्ञान का प्रसार करो, जिससे कि विवेक जागृत हो सके, जिससे दूरदर्शिता जागृत हो सके, जिससे व्यक्ति स्वावलंबी बन सके, जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। इसलिए मित्रों, आज दीप यज्ञ का युवाओं के लिए यही संदेश है कि देश के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए दीपक की तरह जलो, जीवन की अंतिम रक्त की बूंद तक जलना और प्रकाश के विस्तीर्ण करने की यह भारतीय पावन परंपरा ऋषियों की अनंत युगों तक इसी तरह जारी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज के संदेश पूज्य गुरुवर के संदेश को समाप्त करते हैं। ओम शांति। हमारे बीच में यहाँ के दो प्रतिनिधि हैं जिनकी शुभकामना संदेश हम लोग यहाँ से लेते हैं संक्षिप्त में और फिर ये दीपकों को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ करके जलाएंगे। मैं श्री पुष्पेंद्र सिंह देव जी को आमंत्रित करता हूँ कि पूरे प्रांत से लोग आए हुए हैं, अपनी शुभकामनाएं अपना हम सबको प्रेरित प्रेषित करें। आदरणीय विधायक महोदय। आदिशक्ति माँ गायत्री पाखे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। ए माटीर धर्मगढ़ माटीर अधिष्ठात्री देवी माँ भंडार गणियण पाखे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पाखे मोर प्रणाम। एवं आज ए युवा सम्मेलन रे आज उपस्थित थिबा दक्षिण पूर्व जोन प्रभारी श्री गंगाधर चौधरी जी, युवा प्रकोष्ठ प्रभारी शांति कुंज श्री केदार प्रसाद दुबे जी, ग्राम प्रबंधन प्रभारी श्री डीपी सिंह जी,
दक्षिण पूर्व जोन शांति कुंज प्रभारी श्री नेमुरा नेमुराम साहू जी, युवा प्रकोष्ठ शांति कुंज श्री आशीष सिंह जी एवं शांति कुंज हरिद्वार रु आसीथिबा समस्त सम्मानीय ऋषि पुत्रगण एवं मो सहित एठी उपस्थित थिबा माननीय विधायक जूनागढ़ कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र महोदय, धर्मगढ़ विज्ञापित अंचल रो अध्यक्षा सुश्री हीराबाग महोदया एवं विभिन्न प्रांतरु आसिथिबा समस्त सम्मानीय सज्जन मंडली, गायत्री परिवार समस्त बंधु माने, विशेष वक्तव्य रखिबार नाही। आज मोर सौभाग्य जे आज एभली एक आध्यात्मिक परिवेश रे, आध्यात्मिक सम्मेलनी रे मते किछि समय मिलिछि एटी उपस्थित रहिबा पाई, मुनि सेइथिपाई निजको भाग्यवान मने करूछि। मोर सीमित ज्ञान भितरे केवल मु एतिकि कहिबे, आजिर सांप्रतिक परिस्थिति रे जेउली भावरे आमर समाज अवक्षयमुखी होउछि एवं सांसारिक सुख पाई आमे जेउली भावरे बिना उद्यम रे बिना उद्योग रे प्रतियोगिता आरंभ हो जाइछि, सेही परिस्थिति रे आज एई युव समाज रो सृजन शक्ति को उजागर करिवा पाई, आहुरी ए युव समाज किभली सहायक हबो ए राष्ट्र निर्माण रे व्यक्तित्व निर्माण रे, तेणु आज जो माने महामनीषी माने एठी उपस्थित अछंती, जो माने गुरुजी माने एठी उपस्थित अछंती, मु आशा करिबि धर्मगढ़ रो युव समाज तांकर प्रेरणा रे प्रेरित हो एवं विशेष भाव रे आज परम पूज्य गुरुदेव जो आशीर्वाद देले धर्मगढ़वासी को एवं जो मंजी एठी बुणी दे गले जे कलाहंडी रे शिक्षार प्रगति पाई, कलाहंडी रे एक विश्वविद्यालय स्थापन करिवा पाई समस्त निज निज स्तर रे आजिठु उद्यम करिवा आवश्यकता रही, तेणु मु आशा रखिबी ए युव समाज दिशाहीन न होई एक लक्ष्य एक दिशा रे आगामी पीढ़ी पाई ए समाज पाई ए राष्ट्र पाई से माने निजको संकल्प से माने निजे संकल्पबद्ध हेबे एवं समाज रे से माने तांकर जहां तांकर पाखरे अछि सेतिकि उत्सर्ग करी निज अंचल पाई निजर ए राष्ट्र पाई से माने व्रती हेबे एतिकि कामना करी एवं समस्तंकु पुणी थरे मु अभिनंदन करूछि। आज जो माने गायत्री परिवार रो जो माने जो सम्मानीय व्यक्ति माने विभिन्न प्रांतरु आइछंती देशर विभिन्न प्रांतरु आइछंती सेमानंकु आज धर्मगढ़ माटी रे स्वागत करिबा सहित मु समस्तंकु अभिनंदन करी मोर वक्तव्य एठी रखुछि। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और इसी क्रम में और मैं तो अब भाई साहब को आमंत्रित करूंगा हमारे मिशन के कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि इससे पूर्व आदरणीय भाई साहब आए थे हमारे जूनागढ़ के विधायक महोदय और उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि भाई साहब मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। अभी इस क्रम में उन्होंने ये कहा था जब इससे पूर्व मुझसे मुलाकात हुई थी। और मैं शांति कुंज आऊँगा, गुरुदेव माता जी की दीक्षा ग्रहण करूँगा। और जैसा कि दीक्षा में एक देव दक्षिणा होती है उसके बारे में भी पूछा था कि भाई साहब आप कहें एक देव दक्षिणा होती है जिसमें जीवन की एक बुराई छूटती है, तो उन्होंने कहा जब मैंने अपने लोगों को कहा कि मैं दीक्षा लूँगा तो लोग ने पूछा कि इसमें तो मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, तो
तो उन्होंने कहा कि मैं सामाजिक रूप से सबके सामने देव दक्षिणा में ये बुराई छोड़ूंगा। तो ये हमारे विधायक महोदय कैप्टन दिव्य शंकर मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि जो अब हमारे मिशन के परिजन हैं, हमारे भाई हैं, वे पधारें और भगवान के चरणों में अपनी शुभकामनाएं, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। आज जितने भी सज्जन पधारे हुए हैं हमारे कालाहंडी में शांति कुंज से, सबको इस पवित्र माटी में स्वागत है। आप हमारे परम श्रद्धेय हैं। आप सबको ये माटी और हम जितने भी उपस्थित हैं कालाहंडी वासी और उड़ीसा वासी जो दूर दूर से आए हुए हैं आज यहाँ धर्म के गढ़ धर्मगढ़ में, सबकी तरफ से तहे दिल से आप सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको स्वागत करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आप सबको अभिनंदन करता हूँ। आज मेरे लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है कि इतनी बड़ी सम्मेलनी में जहाँ चारों ओर से पूरे उड़ीसा से हमारे भाई और बहनें यहाँ पधारे हुए हैं, इनके बीच मुझे कहने के लिए एक मौका दिए और आज आशीष भाई मेरे बारे में दो शब्द इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ से कही कि सबके लिए जितने भी लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, मैं अपने आप को भी गायत्री परिवार के एक सदस्य मानता हूँ और आज हम सब मिलके संकल्प लेंगे कि किस तरह ये परिवार और मजबूत हो और हम सब मिलके जो मूल मंत्र है गायत्री मंत्र है उसको पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में पहुंचाने की कोशिश करें, युवाओं के माध्यम से और युवतियों के माध्यम से ये मंत्र को पूरे विश्व दरबार में प्रतिष्ठित करें, उसके संकल्प लेने का आज दिवस है और इस दिवस में हम सब आज संकल्प लेंगे ये मैं मानता हूँ। दुई शब्द कालाहंडिया ने कोई भी आज मोर लगे बहुत खुशी दिन अत्यंत गर्वित ही थी मुई और बहुत आनंदित ही थी यदि आज डॉक्टर साहब हमारे गुरुदेव आज इन्हें उपस्थित थी ते मंच रे और तक सानिध्य हमें समस्त लाभ करती तू बोले निश्चित रूप से हमें आज अमर लगे गोटे बहुत बड़ गड़बड़ दिन ही थी। किंतु से निजे कहीचन कि से उपस्थित नहीं थे भी तंकर अंतरात्मा इन्हें उपस्थित अच्छे आमर सहित तो, और से जन दिग्दर्शन दे वीडियो माध्यम रे से दिग्दर्शन से मार्गदर्शन से राह से पथ जन देखेचन से पथ रे आमे जाई करी से रास्तारे जाई करी निश्चित रूप से तंकर से कहले मोर गोटे सपन अच्छे कि मुई ये धर्मगढ़ धर्मगढ़ के निश्चित रूप से जीवी देवभोग आसी सारीचे देवभोग के मुई नहीं करे आईले हेलिकॉप्टर रे अनेक थर छत्तीसगढ़ रो बहुत कार्यक्रम रे तांको हेलिकॉप्टर रे नबार सौभाग्य मके मिलीचे तांकर संस्पर्श रे आसबा लगे मके सौभाग्य मिलीचे। आथर भी से जितला आसबार प्रक्रिया आरंभ हला मैं धन्यवाद देवी आम आयोजक प्रदीप भाई अन्य समस्त संगठक के इसमें मत कहले केन्ता करी गुरुदेव के आम आनी पार्मु डॉक्टर पांड्या को हेलिकॉप्टर के एरोप्लेन माध्यम रे आउ से प्रक्रिया आरंभ हला आउ दुई दुईटा जाक एरोप्लेन भी यदि मौसम खराब थीता आउ हेलिकॉप्टर भी दुईटा जाक रायपुर रे रहला कि डॉक्टर साहब आगमन करबे आ तांको नी करे नी काय मो धर्मगढ़ रे सीधा अवतरण करबे आधा घंटा भितरे से प्रकार गुटे परिवेश आमे सृष्टि कलु। जेबे भी भविष्य रे आबे मुई काली मते तांकर सहित फोन माध्यम रे वार्तालाप करबार सौभाग्य मिलला मते कहले कैप्टन साहब मैं जरूर आऊंगा कालाहांडी में मेरा आना तय है। मुई पचारली जल्दी आबे निकट भविष्य रे आबे कि बहुत दूर रे आबे से कहले निकट भविष्य रे से निकट भविष्य केते निकट से निजे कहले छ मास कि वर्षे भितरे निश्चित रूप से नहले दुई वर्ष मैक्सिमम हबा मुई निश्चित रूप से आसबी एड़े बड़ आयोजन इतर लगे
ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ଫେର୍ ଥରେ ଆଗାମୀ 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଆୟୋଜନ ହେବା, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବା। ଆର୍ ଫେର୍ ଥରେ ଡକ୍ଟର ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିରେ ସ୍ୱାଗତ କର୍ମା। ଇନେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଜି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ନାଁ କାଣ ଯିଏ ଭଜନ ଗାଉଛନ୍? ଓମକାର ଜୀ, ଆପକେ ଶବ୍ଦ ମେ ଓମକାର ଜୀ ହେ ନା ଆପକେ ଯୋ କଣ୍ଠ ମେ ସଚମୁଚ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ହେ, ଇତନା ବଢ଼ିଆ ବୁଲନ୍ଦ ଆବାଜ, ମେଁ ତ କହୁଙ୍ଗା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ବି ଫେଲ ହେ। ଇତନା ସୁନ୍ଦର ଆପ ଜବ ବି କୁଛ ବୋଲତେ ହେ ଆପକି। ଓମକାର ଜୀ କେ କଣ୍ଠ ମେ ସଚମୁଚ ଓମ ବୈଠା ହୁଆ ହେ, ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ବୈଠି ହେ, ଇତନା ସୁନ୍ଦର ଆପ ବୋଲତେ ହେ। ବହୁତ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ହମ ଲୋକ ୟହାଁ ଆକେ ପହଞ୍ଚେ ଆପ ଲୋକଙ୍କ ବିଚ ମେ। ଆଉ ମୁଇଁ କହୁଥିଲି କି ଜଣେ ଭାଇ ଇନୁ କହୁଥିଲେ କି ଚନ୍ଦନ ଆମର ଇ ଦେଶର ମାଟି, ତ ସେ କଥାକେ ମୁଇଁ କହିବି, ଚନ୍ଦନ ହେ ଇସ୍ କଳାହାଣ୍ଡି କି ମାଟି, ତପୋଭୂମି ହର ଗ୍ରାମ ହେ, ହର ବାଲା ଦେବୀ କି ପ୍ରତିମା, ବଚ୍ଚା ବଚ୍ଚା ରାମ ହେ। ଯାହା ସବେରା ଶଙ୍ଖ ବଜତା, ଲୋରୀ ଗାତି ଶ୍ୟାମ ହେ, ଜ୍ଞାନ ଯାହା କେ ଗଙ୍ଗା ଜୈସେ ନିର୍ମଲ ହେ ଅଭିରାମ ହେ, ଯାହା କେ ସୈନିକ ରଣଭୂମି ମେ ଗାୟା କରତେ ଗୀତା ହେ, ଜୀବନ ଯାହା ଖେତ ମେ ହଲକେ ନୀଚେ ଖେଲା କରତି ସୀତା ହେ, ଜୀବନ କା ଆଦର୍ଶ ୟହାଁ ପର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କା ଧାମ ହେ, ଚନ୍ଦନ ହେ ଇସ୍ କଳାହାଣ୍ଡି କେ ମାଟି, ତପୋଭୂମି ହର ଗ୍ରାମ ହେ, ତପୋଭୂମି ହର ଗ୍ରାମ ହେ। ସତରେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଏ ବୀର ମାଟି, ଜାନି ମାଟି, ଜେନା ମାଟି, ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି, ମାଣିକ୍ୟଗଡ଼ର ମାଟି, ମହାକାନ୍ତାରର ମାଟି, କାରୁଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳର ମାଟି, ଇନ୍ଦ୍ରବନର ମାଟି, ଏଇଟା ପବିତ୍ର ମାଟି। ଇ ମାଟି ଦେଇକରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଛନ୍ ଡୋକରି ଚଞ୍ଚରା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ବତାନା। ମୁଁ ଚାହତା କି ୟହାଁ କେ ଡୋକରି ଚଞ୍ଚରା ଯେଉଁ ହମାରେ ମେରେ ବଡ଼ ଭାଇ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେବ ଜୀ କି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ମେ ହେ, ୱହାଁ ସେ ହୋତେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜୀ ୟହିଁ ସେ ହୋତେ ହୁଏ ଗଏ ହୁଏ ଲଙ୍କା। ଇସ୍କା ପୁରା ଗୁଫା ମେ ଚିତ୍ରଣ କିଆ ଗିଆ ହେ, କୋଇ ବି ଯାକେ ଦେଖ ସକତା ହେ। ତ ଜେନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଉଜ୍ଜଳ ପରମ୍ପରା ଅଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମର ମାଟି ନମସ୍ୟ। ଏ ମାଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଜେନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତୀର୍ଥ। ମୁଇଁ ଗର୍ବିତ କି ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ମୁଇଁ ଗର୍ବିତ କି ମୁଇଁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ। ଯିଏ ବି କଳାହାଣ୍ଡିକେ ହେଇୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ୍ବା, ମୋର ମନରେ କଷ୍ଟ ହେସି। ଆଜି କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ କି ନିଜେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, କଳାହାଣ୍ଡି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇତାକେ ଭୁକ୍ମରି ଅଭାବ ଅନାଟନ କଲବଲ ଇ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମର ଗଙ୍ଗା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଆର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇନେ ଚାଷୀ ଅଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ମୋର ଜିଲ୍ଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା, ଆମର ଜିଲ୍ଲା, ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଛି। ଇତାକେ କିଏ ଆଜି ହେୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ନାଇଁ ପାରନ୍? ଇନେ ଦେବ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ଥାପନା ହେବା, ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେନ୍ଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ ଆମର ଡକ୍ଟର ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରବାରେ ମୋର ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରହିବା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶିଷ ଭାଇ ୟୁବା ପିଢ଼ିର ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର, ସେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବେ, ଆର୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରଚନା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କର୍ମା। ଇ ଆଶା ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି। କୋଶିଶ କରନେ ୱାଲୋଁ କି ହାର ନହିଁ ହୋତି, ଲହରୋଁ କୋ ଡର କେ ନୌକା ପାର ନହିଁ ହୋତି, ମିଲତି ନହିଁ ମୋତି ଗହରା ପାନି ମେ, ଲେକିନ ହର ବାର ଉନକି ମୁଠି ଖାଲି ନହିଁ ହୋତି। ଅସଫଲତା ଅସଫଲତା ଏକ ଚୁନୌତି ହେ, ଉସେ ସ୍ୱୀକାର କରୋ, କୁଛ କମି ରହ ଗଈ ହେ ତୋ ଉସକୋ ଦେଖୋ ଔର ସୁଧାର କରୋ। ହୋତି ନହିଁ ଜୟକାର ବିନା କୁଛ, ବିନା କୁଛ କିଏ ନହିଁ ହୋତି ଜୟକାର, କୋଶିଶ କରନେ ୱାଲୋଁ କି ନହିଁ କଭି ନହିଁ ହୋତି ହାର। ତ ଆମେ ଯେନ୍ମାନେ କୋଶିଶ କର୍ମୁ ସେମାନଙ୍କର କେବେ ହାର ନହିଁ ହେ। ମୁଁ ଟିକେ କହି ନେଇ ଜାଣିଲି, ଏଇଟା କବି ଆମର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନର ବାପା କେନ ମନ୍ତା ହରିବଂଶ ରାୟ ବଚ୍ଚନ, ତୁମମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିଛ, ଦେଖ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବେ ଜାଣିଛନ୍।
हरिवंश राय बच्चन जी इटा के कहीचन बहुत भल कथा गोटे आर आज युव चेतना शिविर अच्छे सारिदेवी ना कि गोटे मिनिट आई पार्बी एक मिनिट है समय मेरे पास और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गंगाधर चौधरी जी से जो आज यहाँ पधारे हैं हमारे सिंह साहब से आशीष भाई से और भी जितने आयोजक हैं ओमकार जी से इतना सुंदर हमको भजन सुनाने के लिए सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। शेष रे अमर युवा शक्तिर शिविर इटा अब कहते इनो चौधरी जी कि समस्त युवक के भी वृद्ध नहीं से युवक इन अच्छे शरीर वृद्ध ही थे पारे किंतु युवा अवस्था सब हृदय अच्छे आत्मा अच्छे आम मस्तिष्क अच्छे तो जिते भी आज उपस्थित युवक समस्त ही युवक गुरुदेव निजे कहते दुई जन का वृद्ध जड़े ब्रह्मा आ गोटे विश्वकर्मा मैं कथार शुणुली दुई जन छाड़ी समस्त युवक आज सब युवक संकल्प नेमु कि गोटे भल विचार दीपक एवं जलावे समस्ते पूरा गायत्री मंत्र रे मुई गोटे अज्ञानी हिसाब रे गोटे जिनिस जानीचे सवितुर से गोटे शब्द मके सबुठारो महत्वपूर्ण पूरा लागसी गायत्री मंत्र रचना ऋग्वेद रे हिचे किए मंत्र के रचना करचे किए कहसन किए रचना करचे मंत्र ऋग्वेद रे लिखा हिचे किए रचना करचे मंत्र किए नहीं जानी ऋग्वेद रे गायत्री मंत्र कहिचे सबुठारो महत्वपूर्ण मग लागसे सवितुर सवितुर हला सूर्यर किरण प्रकाश जेंटा आपण माने जलावा के चाहूचन प्रकाश दीप ज्ञान रो ज्योति के टिके बढ़ावार लगे प्रयास छोट छोट दीप माध्यम रे इटा गोटे सांकेतिक इंगित करुचन खाली आपण माने किंतु समस्ते अमर ज्ञान रो प्रकाश करवा लगे गोटे प्रयास तो युवा पीढ़ी के मोर गोटे शेष आओ हिंद के वीर सपूतों नव भारत निर्माण करे नई सुबह है नई किरण है नवी युग की शुरुआत करे जन जन में दीप जला ज्ञान का जन जन में दीप जला ज्ञान का जन गण मन में नए आस भरे त्याग तपस्या और बंधुता से नव भारत निर्माण करें सब युवक यदि एकत्रित हमा निश्चित रूप रे त्याग रे बंधुता रे मित्रता रे बांधी करे सबके जनता महात्मा गांधी पूरा देश के गोटे धागा रे बांध देले खादी रे बांधी देले गोटे बहुत कम शक्तिशाली सूतारे पूरा देश के बांधी देले से महात्मा गांधी भी विश्वास करसन गायत्री मंत्र उपरे स्वामी विवेकानंद विश्वास रखसन गायत्री मंत्र रे राम मोहन राय ब्रह्म समाज जे गठन करते से विश्वास करसन गायत्री मंत्र रे जेते भी ज्ञानी गुणी ऋषि महर्षि अमर देश रे जन्म ग्रहण करचन समस्ते विश्वास करसन गायत्री मंत्र रे जे मंत्र रूप रे आस्था और विश्वास रखूं ज्ञान र ज्योति जलाऊं आओ निश्चित रूप आमर कलाहांडी के गोटे वैभवशाली गोटे प्रगतिशील गोटे उन्नत जिला हिसाब रे ओडिशार माटी रे और भारतवर्ष रे माटी रे प्रतिष्ठित करबे बोली करी से संकल्प सहित आज मुई संकल्प नौचे कि मोर कलाहांडी के निश्चित रूप रे गोटे उन्नत जिला हिसाब रे मुई प्रयास करबी मोर जेन दायित्व आपण माने टिके दीचन गोटे विधायक करिचन मते गोटे जूनागढ़ रो आपण मानकर आशीर्वाद रो निश्चित रूप से दायित्व में निर्वहन कर भी संपूर्ण आत्मार सहित हृदय सहित आउ जेन मूल मंत्र अमर छे तार प्रचार प्रसार विस्तार लगी मुई सबु बेले प्रयास कर भी मत किसी कहबा लगे अपन मैंने सुजोग दी थी अपन मान के समस्त के धन्यवाद बहुत समय ही गलाना बहुत बहुत धन्यवाद सबके नमस्कार। आइए हर एक दीप हमारे देश की सीमाओं पर शहीद होने वाले सैनिकों के लिए समर्पित है। हमारे देश में श्रेष्ठ कर्म कर रहे उन आत्माओं के शक्तियों को बढ़ाने के लिए समर्पित है। युग निर्माण के उन शक्तिशाली उन कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है। भावपूर्वक यह दीप यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। आइए मंत्र के साथ दीप प्रज्वलन करें, सावधानी रखें, बाकी अपने स्थान पर बैठे रहें। ॐ अग्निनय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देवयुनाय
दीपक यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। सविता देवता की, सूर्य देवता की प्रार्थना हम लोग यहाँ से संस्कृत भाषा में और हिंदी में गा रहे हैं। लोग दीप जला लिए हैं वे बैठते जाएं। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भरण भव जोगन जड़े ले दया करी बसी हम समस्त उपंत में बसी हम मान कर लो वंदन हमारा भावन बना दो हे देव सविता भावन बना दो हे मण्डलं ज्ञानघनं स्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समास्त तेजो भयदीपरूपं पुनात्मान्तत् सवितुर्वरेण्यं देवान् देहं त्रैलोक्यपूजित पावन गुणों के विस्तार करता समस्त प्रतिभा के अधिकारण पावन बना दो हे देव सविता 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 पावन बना दो हे देव सविता। देख नव युग आसु अछि आगे आमे स्वागत करिले दीप जलाई आमे स्वागत करिले दीप जलाई दिय हुळहुळी हुळहुळी शंख ध्वनि बजाई दिय हुळहुळी शंख ध्वनि बजाई देख नव युग आसु अछि आगे देख नव युग आसु अछि आगे धरणी मामर करे करुण चितार ए धरणी मामर करे करुण चितार सही न पारी धरार पाप अत्याचार भार सही न पारी धरार पाप अत्याचार भार यही पाप अत्याचार जीव दूरे यही पाप अत्याचार जीव दूरे सभी ताली बजाइबे शंख ध्वनि बजाई
करिले दीप जड़ाई दिया हुड़ा हुड़ी शंका ध्वनि बजाई दिया हुड़ा हुड़ी हरी बोल भगाई दीप नवजुगा सुवाची आगे देख नवजुगा सुवाची आगे देख देख नवजुग आसुअी देख देख नवजुग आसुअी आगे बोले पावन दीप महायज्ञ की पूर्णाहुतिः।
दिगरे जो बाधक तत्व आम जन्म जन्मांतर कर्म कारण जो सब अवगुण आम जीवन को घेरी रही आसतु समस्ते से अवगुण रु मुक्त होबार आदि संकल्प नेबा गोटे गोटे अवगुण त्याग करवा गोटे गोटे सद्गुण ग्रहण कर संकल्प नहीं आज महापुराणी सम्पन्न करवा यज्ञ श्रृंखल आम ओडा प्रांत सतैशी शहे आठ कुंडीय यज्ञ एकावन कुंडीय यज्ञ एवं चौबीस कुंडीय यज्ञ संपन्न होगा जागामी जानुरी ठार तो यही यज्ञ श्रृंखल दुईट यज्ञ आम कंधमाल जिले में फुलवाणी एक शहे आठ कुंडीय यज्ञ भद्रक गोटे शहे आठ कुंडीय यज्ञ बालेश्वर एवं कोरापुट में गोटे गोटे एकावन कुंडीय यज्ञ बाकी समस्त चौबीस कुंडीय यज्ञ श्रृंखला रहा यह समस्त यज्ञ अभियान आमर सफल एवं यार उद्देश्य मानव देवत्वर उदय एवं थरारे स्वर्गावतरण को सफल सार्थक करने आम समस्त युवापीढ़ी को एवं ये अंचल उत्कलमाटीर समस्त आवाड़ बुद्ध बनता को आम आह्वान करुचु आपण मैंने निजर शक्ति सामर्थ्य लगे ये यज्ञ अभियान को सफल करूँ आसतु परमपिता परमात्मा प्रगति उन्नतिर मार्ग में आम समस्त को आग को बढ़ात यही भाव रखी हमारा जीवन पूर्ण बने ये पूर्णाहुति एक बुराई को छोड़ने का है। अभी कैप्टन साहब के पहले जो हमारे गणमान्य अतिथि ने बताया कि एक बुराई छोड़ना होता है, बुराई एक छोड़ना है और जब वो कुर्सी खाली हो जाए तो एक अच्छाई को बिठाना है। कुर्सी को खाली नहीं रखना है, एक बुराई निकल गई कुर्सी खाली हो गई तो एक अच्छाई को उस पर बिठा देना है। न हो जिसमें कोई गलती उसे भगवान कहते हैं, न हो कोई गलती जिसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर संभलते हैं उसे इंसान कहते हैं, समझते जो न गलती को उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। तो हम एक इंसान है, अच्छे इंसान बने, सच्चे इंसान बने, अपनी मुट्ठी बांधे, हाथ उठाएं, पूर्णाहुति का मंत्र बोला जा रहा है, मन में संकल्प लीजिए। मान लो आपके अंदर कोई बुराई है नहीं तो बहुत अच्छी बात है, तो एक संकल्प लेके जाइए कि आज से हम ये करेंगे। मन में सोचिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आइए आरती के पहले दो संक्षिप्त से क्रम है जो हम संपन्न करना चाहते हैं। श्री वीरेंद्र जी नारायण जी और विजेंद्र कुमार साहू जी मंच पर आ गए और इस कार्यक्रम की एक स्मारिका का प्रकाशन हुआ है जिसके संपादक वीरेंद्र जी नारायण जी हैं और मुद्रण का काम विजेंद्र कुमार साहू जी ने किया है। ये स्मारिका का विमोचन हमारे अतिथिगण करेंगे। हमारे अतिथिगण को स्मारिका प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्मारिका प्रज्ञा ज्योति, प्रज्ञा ज्योति स्मारिका। इसी के क्रम में एक पुस्तक और है जो जिसका नाम है चतुष्टय। ये संगीत पर आधारित एक किताब है और इसका इसकी जो थीम है वो सत्य की गरिमा, संगठन कैसा हो, जीवन चरित्र कैसा हो, इसका इसके जो कवि हैं विरंची नारायण जी ही हैं। तो ये पुस्तक का भी विमोचन हमारे सभी अतिथि गण करेंगे। विरंची जी भी मंच पर उपस्थित हैं, सभी जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए आरती का क्रम होगा। भगवान की परमात्मा की अब हम सब मिलकर के आरती उतारें। हमारे अतिथिगण भी देव मंच पर परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी की आरती उतारें। आइए सभी लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे ही हाथ जोड़ करके भगवान की परमात्मा सत्ता की आरती करें। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आदिशक्ति तुम अलख निरंजन, जग पालन करती माँ, जग पालन करती, दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दैन्य हरती। जयति जय गायत्री माता, ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी, जगत धात्र अम्बे माँ, जगत धात्र अम्बे, भय भय हारी जन हित कारी, सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता, राम धेनु सत चित आनंदा, जय गंगा गीता, जय गंगा गीता, सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता, दिव्य दुसाम धर्म प्रणय, प्रणव महामहिमे, प्रणव महामहिमे, कुंडलिनी सहसार सुषुम्ना शोभा कुलकर मे। जयति जय गायत्री माता, स्वाहा सभा सची ब्रह्माणी, राधा रुद्राणी, राधा रुद्राणी, जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। जयति जय गायत्री माता, देह सनी करुणामय माता, शरण शरण दीजे, तिलक रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजे। जयति जय गायत्री माता, तुम समर्थ सब भांति तारिणी, पुष्टि पुष्टि त्राता, पुष्टि पुष्टि त्राता, सत मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सत मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, भरपूर गौरव करुणावतारम, संसार तारम, भुजगेन्द्रहारम, सदासंतम हृदयारविंदे भवं भवानि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती वाली बहनें थाली को ऊपर उठाएं, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएं, आरती लेने का भाव करें। ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता, प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां, आयुः प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं, मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। बोले गायत्री माता की। समस्ते हाथ उठाई उच्च स्वर रे, उल्लास हृदय रे, समस्ते जयगान करिवे। भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सनातन धर्म की, वेद भगवान की,
वाले को सबको बंद करा देंगे, शराब वाले को दुकान बंद करा देंगे। ना गई भाई ना गई, सारी शक्ति जाग गई। बंदे चित्र लगाओ मां, सारी को लगाओ मां। बंदे चित्र लगाओ मां, सारी को लगाओ मां। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। इस सुर का ध्यान रखेंगे अपनी प्रतिभा, धर्म की हो, धर्म की हो, धर्म का हो, धर्म का हो, प्राणियों में हो, प्राणियों में हो, विश्व का हो, विश्व का हो, हमारी युग निर्माण योजना समलो समलो समलो, हमारा विचार क्रांति विचार समलो समलो समलो, बोले शांति गुण हरिद्वार की जय, मथुरा की जय, और खेड़ा की जय, शक्ति की धर्मगढ़ की जय, भाई और बहनों की जय, आज की आनंद की जय, आज वेदमाताल की जय। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम, ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।